हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले होमी भाव सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की तरफ से निकलने वाले लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। सो जो रिक्रूटमेंट है, बेसिकली यहाँ पे आपको आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, बट वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 2 ईयर्स का। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी में जो टोटल 4 वैकेंसी, जिसमें से 3 UR के लिए है, 1 OBC के लिए, यहाँ पर आपको पास एक्सपीरियंस बोला गया है, बट यहाँ पर आपके पास अगर MSc यानी कि मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर बायोलॉजी में, यहाँ तक कि साइंस के किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ एक पोस्ट और है जिसमें आपको MSc बोला गया केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी आप एलिजिबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। बाद बाकी जो पोस्ट है उसमें आपको 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा ज़रूर देख लीजिएगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा बट फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको फ़ी नहीं लगने वाला और सैलरी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ है कि ये जो जॉब है ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पे रहने वाला है मिनिमम 1 ईयर के लिए और मैक्सिमम जाएगा 3 ईयर के लिए। मैं आपको डायरेक्ट नोट पे ही जनरल कंडीशन वो दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आइएगा तो यहाँ पे ऊपर में ही लास्ट में लिखा हुआ है, ऑल द अबव पोस्ट आर टेम्प्रेरी फॉर 1 ईयर एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 or 2 more years बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो ये आपका 3 ईयर्स तक मैक्सिमम जाएगा, आपके परफॉर्मेंस पर और उनके रिक्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। लास्ट डेट यहाँ पे 26/6/2021 रखा गया है फॉर्म फिलअप का, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से लोग एलिजिबल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए एक पोस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एमएससी के लिए भी पोस्ट है, तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट ट्रेड्समैन बी, इसमें आपको 1 सिंगल वैकेंसी UR के लिए है, तो कोई भी लोग एलिजिबल है यहाँ पर कोई भी कैटेगरी को। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है और आपके पास 10th होना चाहिए, आईटीआई आपके पास होना चाहिए NCVT में, तो नेशनल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वही लोग एलिजिबल है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ। ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीसियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, यहाँ पे आप 60% मिनिमम मांगा गया है, तो 2 ईयर्स का पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर आपके पास 2 ईयर्स नहीं 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो उसके साथ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोल दिया गया है, तो मतलब आपने आईटीआई किया है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल, या फिर आपने आईटीआई किया है और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है और उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है, तो घुमा फिरा के बात एक ही है। तो यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है तो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। अब बात करें दूसरे पोस्ट की, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर बी में 1 सिंगल वैकेंसी UR में, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स इन साइंस इन एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजी मांगा गया, तो बायोलॉजी में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जिनके पास होगा देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी में, तो यहाँ पर भी आपको 1 सिंगल वैकेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन साइंस इन एनी स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजी, तो आपको ग्रेजुएशन बोला गया बायोलॉजी में, उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव 0 to 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, बट एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 2 ईयर्स बोला गया है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, बट यहाँ पे डिपेंड करता है उनको जो वर्क कराना है उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए जब वो इंटरव्यू लेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट में 1 सिंगल वैकेंसी UR के लिए, तो यहाँ पर आपका 10th मांगा गया है, साथ ही साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है और एक्सपीरियंस आपको बोला गया है यहाँ पर जो भी आपको वर्क होते हैं बाय लेबोरेटरी में उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में आपको 10th और 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, तो यहाँ OBC में है, तो जिनका कैटेगरी होगा वो देख लीजिए कैटेगरी के हिसाब से, यहाँ पे ग्रेजुएशन इन साइंस कोई भी ग्रेजुएट्स हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट तो BSc है तो भी एलिजिबल है, MSc है तो भी आप एलिजिबल है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले तो, बट ये आपका UR में नहीं है, ये आपका OBC में है, तो जिनका कैटेगरी है वही भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे UR के लिए बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी में 1 सिंगल वैकेंसी UR के लिए, यहाँ पे आपको डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये वैकेंसी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टाइम BSc है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, साथ ही साथ BSc को 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोल दिया गया है, बट अगर आपके पास MSc है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एलिजिबल है। सो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है
तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एमएससी आपको किसी भी फील्ड में होना चाहिए, साइंस में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है बिना कोई एक्सपीरियंस के। तो काफ़ी अच्छा बात है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे डिजायरेबल में इन्होंने रखा है कि आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड टिंकर का आपका नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स इन मराठी एंड इंग्लिश। तो ये डिजायरेबल में आपके पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके पास एमएससी होना चाहिए या फिर आपके पास बीएससी के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है और पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, सो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले जितने पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पोस्ट और है प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट के लिए, ये भी आपका यूआर में है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th मांगा गया, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। आपको अटेंडेंट में होना चाहिए, जो भी ऑफिस का अटेंडेंट जो भी वर्क होते उसमें। तो जिनके पास अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होगा, कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कहीं से भी, तो प्राइवेट में ही मोस्टली होगा, तो भी यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर एक चीज़ बोल दिया गया कि ग्रेजुएट जो लोग हो चुके हैं वो अप्लाई ना करें। तो नॉर्मली जो 10th या 12th वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस उनके पास है ऑफिस अटेंडेंट के रूप में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको, तो आईटीआई के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और एक चीज़ है यहाँ पर एमएससी के लिए एक और पोस्ट है, तो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी में आपका सिंगल वैकेंसी यूआर में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन साइंस बोला गया केमिस्ट्री में, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। बट अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगा। देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस इन एनी स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री, 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, बस आप यहाँ पे एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री या फिर किसी भी, आप केमिस्ट्री में 2 पोस्ट हो गए और एमएससी आपने किसी भी फील्ड में किया वहाँ पर 1 पोस्ट में, तो वहाँ पर आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास बीएससी है तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दोनों ही जगहों पर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया, एक और पोस्ट है प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट। तो ये जो आपका पोस्ट है यह ओबीसी के लिए है, एक पोस्ट था जो आपका यूआर के लिए था, बट यहाँ पे आपको ओबीसी के लिए, यहाँ पर भी आपको 10th बोला गया है, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया। एक्सपीरियंस आपको क्या में चाहिए, तो लेबोरेटरी वर्क से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए अटेंडेंट के रूप में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। तो ये पोस्ट जो भी है आपके 1 ईयर के लिए रहने वाले मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 3 ईयर्स तक जा सकते हैं, ये पहले ही मैंने बताया। अप्लाई की लास्ट डेट आपको 26/6/2021 रखा गया है, और यहाँ पे अप्लाई आपको जो करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो अप्लाई के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे पोस्ट की डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप मान के चलिए कोई भी एक पोस्ट पकड़ के लीजिए कि आपको अप्लाई करना है, एग्जांपल के लिए आपके केस में कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि ये पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोजीशन 1 यूआर में केमिस्ट्री ओलंपियाड सेल। तो यहाँ पर अगर आपको फिल करना है तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिंपल यहाँ पर अपना ओपन कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो सेम एडवर्टाइजमेंट वही डाउनलोड होगा जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, तो इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का आपका दिखेगा, टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पोस्ट लिस्टेड बिलो प्लीज़ विजिट द, तो एप्लीकेशन पोर्टल पर आपको क्लिक करना है, न्यू टैब में आपका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेम चीज़ दिख जाएगा जो भी आपको पोस्ट, सो सारे पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए किसी भी पोस्ट पे, तो आप उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब वहाँ पे जो नंबरिंग दिया है नोटिफिकेशन में और यहाँ पर जो नंबरिंग दिया उसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, आप अपने अनुसार यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पढ़ के और पोस्ट का नाम पढ़ के क्लिक कीजिएगा सारे डिटेल्स। नंबरिंग में आपको उलट फेर है ऊपर नीचे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे आना है, न्यू एप्लीकेंट्स नीड टू रजिस्टर, तो इस पर क्लिक करना है और आपको रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे जितने भी डिटेल्स आपको मांगे जाएंगे ये सारा कुछ आपको फिल कर लेना है। और अगर आप पहले से रजिस्टर जो कि नहीं होंगे तो आप यहाँ पे ईमेल में लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप जब रजिस्टर कर लेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है अपने डिटेल्स के साथ। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इन सब पोस्ट के थ्रू, तो पोस्ट ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि पोस्ट ही आपको बोला जाएगा। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अप्लाई के भी और नोटिफिकेशन के भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।